एक बार की बात है, रामपुर गांव में एक ब्यूटी पार्लर था जो एक चुड़ैल का था और वो वहां आने वाले लोगों को मारकर अपनी भूख मिटाती थी। गांव में सभी परेशान थे क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि गांव के लोग कहां गायब हो रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि इसके पीछे पार्लर वाली चुड़ैल थी। अरे भाई राम, क्या तुमने सुना वो मुकेश पिछले 2 दिनों से नहीं मिल रहा है? हाँ भाई, मुझे तो अब शाम को घर से निकलने में डर लगने लगा है, ना जाने क्या होगा अपने गांव के लोगों का। डर का माहौल ऐसे ही चलता रहा और गांव वाले जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस गांव में रहते थे और शाम होते ही अपने घरों में छिप जाते थे। क्योंकि वो गांव 2 शहरों के बीच में था तो शहर जाने वाले लोगों का उस रास्ते पर आना जाना लगा ही रहता था। एक दिन डिंपल नाम की लड़की उसी सड़क से अपनी गाड़ी में दूसरे शहर जा रही थी, तभी उसकी गाड़ी में से कुछ अजीब सी आवाजें आई और गाड़ी वहीं बंद हो गई। डिंपल को काफी डर लगने लगा क्योंकि वो रास्ता काफी सुनसान था। ओहो, अब इस कार को क्या हुआ? अब मैं इतनी रात को किसी मैकेनिक को कैसे ढूंढूंगी? डिंपल काफी डर गई थी, तभी पार्लर वाली चुड़ैल ने उसे देख लिया। अरे वाह, मिल गया आज का शिकार। आज तो मैं अपनी हफ्तों की भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल ने पहले अपना रूप बदला और डिंपल के पास चली गई। अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, मेरा नाम डिंपल है और मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं यहाँ फंस गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो और आज रात के लिए मेरे घर में रह लो और फिर कल सुबह किसी मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवा के चले जाना। चुड़ैल डिंपल को अपना शिकार बनाना चाहती थी और इसीलिए वो डिंपल को अपने घर बुला रही थी जो कि उसका ब्यूटी पार्लर था। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया माँ जी, क्या आप इसी गांव में रहती हैं? हाँ बेटी, इसी गांव में मेरा ब्यूटी पार्लर है और मैं वहीं रहती हूँ। उसके बाद डिंपल चुड़ैल के साथ उसके ब्यूटी पार्लर की तरफ चलने लगती है। चुड़ैल के घर पहुंचकर चुड़ैल उसे आराम करने को कहती है और खाना बनाने चली जाती है। रसोई में जाकर चुड़ैल अपने असली रूप में आई और खाना बनाने लगी जिसमें वो बेहोशी की दवाई मिलाने लगी। तभी डिंपल सोचती है, इतनी देर हो गई, माँ जी अभी तक क्यों नहीं आई? डिंपल को उस बूढ़ी औरत की फिक्र होने लगती है तो उसने सोचा कि वो बाहर जाकर देखती है। जब उसने बाहर जाके देखा तो वो चुड़ैल को देखकर हैरान रह गई। नहीं, अरे ये तो एक चुड़ैल है, अब मैं क्या करूं? मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो ये मुझे मार देगी। ऐसे करती हूँ, मैं पापा को कॉल करती हूँ। डिंपल के पिता एक मंदिर में पुजारी थे तो उस समय डिंपल को उन्हीं को बताना सही लगा। हेलो पिताजी, मैं एक बहुत खतरनाक जगह फंस गई हूँ, यहाँ एक चुड़ैल है जो मुझे खाना चाहती है, प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए। बेटा तुम कहाँ हो और क्या हुआ अच्छे से बताओ। डिंपल ने चुड़ैल की सारी बात अपने पिता को बताई जिससे पंडित के होश उड़ गए और वो बोला, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ और तब तक जो मैंने तुम्हें लॉकेट दिया था वो तुम्हारी रक्षा करेगा। जी पिताजी, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसकी ये सारी बातें चुड़ैल सुन लेती है जो उसे खाना देने आ रही होती है, और डिंपल को जैसे ही पता चला कि चुड़ैल ने उसे देख लिया है वो तुरंत उसे धक्का मारकर जंगल की तरफ भागने लगती है और चुड़ैल उसके पीछे भागने लगती है। बहुत दिनों बाद कोई शिकार हाथ लगा है, आज तो मैं अपनी भूख मिटा कर ही रहूंगी। भागते भागते डिंपल जंगल के बीच आ जाती है
पर तभी वो एक पत्थर से टकरा कर गिर जाती है और उसका लॉकेट उसकी गले से निकल कर गिर जाता है। अब कैसे बचोगी मुझसे? आज तो तुम मेरे पेट में जाओगी। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज नहीं चुड़ैल, मैं बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहा था। आखिर तुम मुझे मिल ही गई। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो पंडित। मेरा शरीर जल रहा है। आ, आ, मेरा शरीर जल रहा है। बेटा क्या तुम ठीक हो? जी पिताजी, मैं ठीक हूँ। पर पिताजी, क्या वो चुड़ैल फिर से आ जाएगी? नहीं बेटा, चिंता मत करो। अब वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसे मुक्ति दे दी है। उस दिन के बाद से उस गांव से कोई भी गायब नहीं हुआ और सभी लोग खुशी से जीने लगे। और इस तरह पार्लर वाली चुड़ैल का डर गांव वालों में पूरी तरह से खत्म हो गया। मजेदार कहानियों के लिए वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।